स्टूडेंट्स, मैं आनंद रुमलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा रहे होंगे। जैसा कि विगत दिनों हमारे महाविद्यालय के परम श्रद्धेय सीएमडी सर जी ने छात्रित और राष्ट्रित को ध्यान में रख के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोटिवेशनल वीडियो का प्रयोजन किया, ताकि संकट के इस दौर में सभी छात्र सुरक्षित रहें एवं उनका किसी भी प्रकार की जो पढ़ाई संबंधित गतिविधियां हैं उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना आने पाए, इसीलिए मान्यवर द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग घर में रहें और महाविद्यालय द्वारा चलाए गए इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। आइए आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। जैसा कि हम लोग मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपन मध्यकालीन भारत के राजनैतिक और आर्थिक इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आज अपना जो विषय है कि सल्तनतकालीन व्यापार व वाणिज्य, मतलब मध्यकालीन भारत में या सल्तनत काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति कैसी थी, किस तरह के व्यापार होते थे, है ना, और किस तरह का व्यवसाय किया जाता था, व्यवसाय करने का तरीका क्या था, है ना, इन सारे प्रश्नों के बारे में अपन बात करते हैं। जैसा कि यदि अपन बात करें तो अपना जो भारत देश रहा है वह है प्राचीन काल से ही अपना देश एक व्यापारिक केंद्र रहा है और अपने जो संबंध रहे हैं हमेशा से जो विदेशी कंपनियां रही हैं उनसे रहे हैं। तो उसी आधार में यदि अपन बात करें तो सल्तनत काल में जो व्यापार करने का तरीका था, व्यापार दो रूपों में होता था, एक आंतरिक व्यापार कहलाता था और दूसरा रूप होता था बाह्य व्यापार का, है ना, दो रूपों में, आंतरिक और बाह्य। यदि अपन बात करें आंतरिक व्यापार की तो आंतरिक जो व्यापार होता था, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि आंतरिक व्यापार का मतलब क्या होता है। आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि जो व्यापार अपने ही राज्य तक सीमित हो, है ना, अपने ही राज्य के अंतर्गत जो छोटे छोटे कस्बे हैं, है ना, ग्राम हैं, है ना, जिले हैं, वहां पर किया जाता हो, है ना। अर्थात कहें तो आंतरिक व्यापार अपने ही राज्य तक सीमित है, मतलब जैसे जो सिर्फ भारत की बात करें तो जो सिर्फ भारत में ही हो, है ना, भारत के छोटे छोटे जो देश हैं या अन्य देश हैं उनके साथ व्यापार हो, तो ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं, है ना। उस टाइम में अपन बात करें तो आंतरिक जो व्यापार था या व्यापार में जो सबसे बड़ा रोल होता था वणिक होता था, है ना, ये बैस कहा जाता था, है ना। आंतरिक व्यापार की बात करें तो व्यापार में जो सबसे बड़ी भूमिका होती थी वह वैश्यों की होती थी और उस समय वैश्य व्यापार में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे, है ना। दूसरा है, जो दूसरा मैंने आपको बताया, बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार का मतलब है कि जिसमें अब व्यापार अपने राज्य अपने देश तक ही सीमित ना होकर बल्कि दूसरे देशों से, है ना, जब संपर्क साधता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य व्यापार कहते हैं। अर्थात जब अपने देश से कोई सामग्री दूसरे देश में जाए या दूसरे देश से अपने देश में आए तो इस तरह जो व्यापार कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, बाह्य व्यापार कहलाएगा, है ना। इसको क्या कहते हैं, बाह्य व्यापार। चूंकि उस समय अपने देश में बहुत सारी ऐसी सामग्रियां उत्पन्न होती थी जिनका विदेशों में, है ना, भेजा जाता था और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अपने भारत में नहीं थी जिनको विदेशों से अपने देश में आती थी। लेकिन अपना जो मुद्दा है, अपना जो विषय है कि आखिर जो व्यापार और वाणिज्य जो था किस प्रकार से, उस समय जो शासक थे, है ना, जो शासक थे क्या इसमें ध्यान देते थे। क्योंकि बात करें तो उस टाइम में दिल्ली सल्तनत काल में व्यापार उन्नत अवस्था में था, है ना,
अच्छे खासे अवस्था में था। लेकिन व्यापारियों के लिए जो सबसे बड़ी चिंता हुआ करती थी, व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता होती थी उस समय लूट, लूट बहुत ज्यादा होती थी, लूट और चोरी। क्या होता था जी, जब कोई व्यापारी सामान लेकर जाया करता था तो रास्ते में घने जंगल बहुत ज्यादा पड़ते थे, है ना, तो बीच में क्या होता था कि यहाँ पर चोर एवं डाकुओं द्वारा माल को लूट लिया जाता था। इससे व्यापारियों को बहुत घाटा होता था, इससे जन माल की काफी नुकसान होता था। तो अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत काल में दो शासक हुए हैं जिन्होंने व्यापारियों की ओर विशेष ध्यान दिया है, व्यापार की ओर विशेष ध्यान दिया। उनमें नाम आता है, पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन और दूसरा था इल्तुतमिश। इन देखिए बाद में शासकों अनेक शासक हुए जिन्होंने व्यापार की ओर विशेष ध्यान दिया, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं सल्तनतकालीन व्यापार व वाणिज्य के बारे में, इसलिए सल्तनतकालीन में दो शासक हुए हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा इल्तुतमिश, जिसने व्यापार के लिए विशेष ध्यान दिया और व्यापारी को उसने अनेक सराएं बनाई थी। सराएं क्या होती थी, सराय में क्या होता था, यहाँ रुकने के लिए, है ना, व्यापारियों के रुकने के लिए जो जो सामग्री चाहिए उचित व्यवस्थाएं की जाती थी, है ना। और दूसरी चीज, सराएं बन जाने के कारण व्यापारी यहाँ रुक जाते थे, जैसे रात हो गई तो रात में सरायों में रुक गए तो आगे ताकि जंगल में ना जाएं, जब जंगल में जाएंगे नहीं रात को तो लूटमार बंद हो जाएगा। यहाँ तक की बात करें तो एक शासक हुआ है जिसका नाम था बलवन। बलवन ने इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया था कि अनेक डाकुओं व चोरों को पूरा खात्मा करवा दिया था, है ना, छापा मार करवाया था, है ना, सैनिकों को भेजा और जितने भी जंगल में छुपे हुए, जंगल में छिप जाते थे उस समय डाकू जो चोर होते थे, तो उसने जंगलों में छापा मरवाया और जितने भी चोर और डाकू थे उनको पकड़वा के खत्म कर दिया। तो ये समस्या ही समाप्त हो गई थी, है ना, जो व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या थी। और चूंकि अपन जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में व्यापार का बहुत ही महत्व है, है ना, कहा भी जाता है कि जिस देश में व्यापार उन्नत अवस्था में होती है उस देश में का जो विकास का पल्ला है काफ़ी आगे बढ़ जाता है ना, उस देश का विकास भी होता है, है ना। अब अपन बात करें व्यापार होता कैसे था, तो अपने यहां व्यापार दो मार्गों से होता था, स्थल और जल मार्ग, ठीक है ना, स्थल मार्ग और जल मार्ग, इन दोनों मार्गों से व्यापार होता था, है ना। जल मार्ग आपको पता होगा, जल मार्ग में क्या होते हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े बंदरगाह बने होते हैं जहां पर बाहर से वस्तुएं आती हैं या बाहर जब जाती है वहां एकत्रित किया जाता है। उस समय बात करें, सल्तनत काल की बात करें, तो उस समय अपने देश के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, है ना, जो व्यापारी केंद्र कहलाए, सल्तनत कालीन व्यापारी केंद्र कहलाए, उनमें नाम आता है, सबसे पहले आता है खम्फात का, दूसरा है भणौच, तीसरा है देऊ, चौथा है गोवा, पांचवा है भटकल और छठवां है कालीकट बंदरगाह। एक प्रश्न भी आता है कि सल्तनत कालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे, है ना, जहाँ पर जो व्यापार के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, खम्फात, भणौच, देऊ, गोवा, भटकल और कालीकट, ठीक है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अपने देश में व्यापार किन माध्यमों से होता था, अपने देश में व्यापार दोनों माध्यमों से होता था, स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। इससे यदि हम इसको गहराई से पढ़ें तो इससे पता चलता है कि उस समय सल्तनतकालीन कब शुरू हुआ था, 1526 में, उस टाइम भी भारत व्यापारिक रूप से उन्नत अवस्था में था, है ना, व्यापारिक दृष्टि से भी भारत को देखें तो व्यापारिक दृष्टि से भी भारत उन्नति एक अच्छी अवस्था में था। अब चूंकि यहां प्रश्न उठता है, चूंकि अपने यहां छोटे मोटे ही उद्योग स्थापित थे उस टाइम पे, है ना, लेकिन क्योंकि अपने यहां जो अपने राज्य का उस समय राज्य का जो सबसे बड़ा आय का साधन था वो कृषि ही था, है ना,
उस टाइम में भी अपने देश का जो आय का सबसे बड़ा साधन कृषि था, परंतु फिर भी व्यापार होते थे और बहुत सारे अपने यहाँ, चूंकि सबसे ज़्यादा रेशमी कपड़ों का है ना, रेशमी कपड़ों का यहाँ उत्पादन होता, क्योंकि अपने यहाँ रेशम कपास की अत्यधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता था, जिससे यहाँ पर रेशमी कपड़े बनाए जाते थे और बाहर बाहरी देशों में भेजे जाते थे। अब बात यह उठती है, प्रश्न यह आता है कि उस समय सल्तनत काल में क्या सिर्फ छोटे मोटे ही व्यापार स्थापित थे या बड़े व्यापार भी होते थे? तो मैं बता देना चाहता हूं, उस समय सल्तनत काल में भी छोटे मोटे व्यापारों के साथ साथ बड़े बड़े व्यापार भी अपने देश में हुआ करते थे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अपने क्या सल्तनत कालीन में दे राज्य की आय का साधन व्यापार भी था? तो निश्चित रूप से व्यापार था, है ना, क्योंकि हम उस समय भी व्यापारिक दृष्टि से उन्नत अवस्था में थे। और व्यापारिक जो प्रमुख बंदरगाह थे वो कौन कौन से थे? ये पांच है, खंफात, भड़ौच, देव, गोवा, भटकल और कालीकट। तो छात्रों, आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में पढ़ा, सल्तनतकालीन व्यापार व वाणिज्य के बारे में, है ना, जिसमें हमने जाना कि अपने देश में उस टाइम में भी व्यापार के दो प्रकार से होते थे, एक आंतरिक व्यापार कहलाता था, दूसरा बाह्य व्यापार कहलाता था, और किन शासकों ने उस समय व्यापार के कंडीशन को सुधार करने के लिए अपना सहयोग दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। बेस्ट ऑफ लक।